हेलो ब्रिवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 25 जुलाई के करंट अफेयर। देखिए, जो आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। बताओ कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम की स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। तो जैसा कि आप जानते हो, इसके पहले लगभग 21 साल पूर्व कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था ब्रोंज, लेकिन अब रजत पदक जीत लिया है मीराबाई चानू ने। तो निश्चित रूप से आपको याद ही रहेगा, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई और 24 जुलाई को मीराबाई चानू ने यह पदक जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपको याद ही रहेगा। भारत की झोली में पहली बार कोई रजत पदक आया है, वह भी वेट लिफ्टिंग में। तो एग्जाम में क्या होता है कि प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है। तो प्रश्न अगर ये पूछा गया कि कितने किलोग्राम की स्पर्धा में, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि 49 किलोग्राम की स्पर्धा में मीराबाई चानू ने यहाँ पर जो सिल्वर मेडल है उसको जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो आपको बता दें कि भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। चानू ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल पाने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। इसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रोंज जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है और इस वर्ग में चीन की हू जहुई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रोंज मेडल जीता है। तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गोल्ड जीता है हू जहुई जो कि चाइना की हैं, और ब्रोंज जीता है विंडी असा ने जो कि इंडोनेशिया की हैं। और चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी वेटलिफ्टर बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। मीराबाई चानू से पहले 2020 के सिडनी ओलंपिक में 2000 के ये ओलंपिक होता 2000 में हुआ था तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। ये भी याद रखना कि मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंग पे काकचिंग नामक गांव में हुआ है। और बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, तो 23 जुलाई को इसका शुरुआत हुआ। तो जो ध्वजारोहण था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और एमसी मैरी कॉम। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जब समापन समारोह होगा तो हमारे पहलवान बजरंग पुनिया जो है वो भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखना कि 2020 का जो ये ओलंपिक 2021 में हो रहा है, इसका जो क्रम है वो 32वां है, ठीक है। और इसमें कुल 206 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11,238 प्लेयर रहेंगे, 33 खेलों की 339 स्पर्धाएं होंगी। भारत के 127 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 72 पुरुष हैं और 55 महिलाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंग्लैंड में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजक कौन रहेगा, आयोजक रहेंगे रग्बी लीग इंटरनेशनल फेडरेशन, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रग्बी लीग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिडनी में है। वर्तमान में इसके CEO हैं नाइजेल वुड, चेयरमैन है ग्रीएम थॉम्सन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। तो आगामी कुछ महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये हरियाणा में होगा, लेकिन अब ये आयोजन पहले नवंबर दिसंबर में होना था, अब यह आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो दूसरा संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो कर्नाटक में होगा, ये भी याद रखना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भी भारत में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में खेला जाएगा, कहाँ पर, भारत में। और 2032 के जो ओलंपिक खेल हैं ये ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये याद रखना। कई बार ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि बार बार ये चर्चा में आ रहा है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन होगा कहाँ पर, श्रीलंका में होगा। रग्बी लीग विश्व कप 2025 का आयोजन जो होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किया जाएगा। तो अभी जो रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन है ये कहाँ पर होने वाला है, ये इंग्लैंड में होगा, लेकिन याद रखना कि 2025 वाला जो होगा नेक्स्ट, वो USA और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये सभी प्रतियोगिताएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये बताओ कि यूनेस्को ने हाल ही में लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। लिवरपूल नामक जो शहर है इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया है,
आपको बताना ये है कि लिवरपूल या किस देश में स्थित है, तो ये इंग्लैंड में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो बात यहाँ पर इंग्लैंड की हो रही है, तो ये रहा इंग्लैंड और यहाँ पर मिलेगा आपको लिवरपूल। और हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले 6 भारतीय स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा भी गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, मुख्यालय है पेरिस में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले, ठीक है। और लिवरपूल इस प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल बनेगा। इसके पहले जो दो स्थल हटाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक हटाया गया था 2007 में ओमान में वन्यजीव अभयारण्य है, इसका कारण क्या था कि अवैध शिकार और निवास स्थान की क्षति के कारण इसे हटाया गया था, यही पहला था जो हटाया गया। दूसरी बार हटाया गया था 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी को नदी के ऊपर 4 लेन का मोटरवे पुल बनाया गया था, इसके बाद इसे भी हटाया गया। अब लिवरपूल को भी हटाया गया है, तो लिवरपूल को जो हटाए जाने का कारण है वो क्या है कि नई इमारतें जिसमें एक फुटबॉल का स्टेडियम भी है, इसके विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करने के साथ साथ तट के विरासत मूल्य को नष्ट कर रही है। अति विकास ऐतिहासिक बंदरगाह की विरासत को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा, यही वजह है कि लिवरपूल को भी इस सूची से हटा दिया गया है। अच्छा ये भी जानो कि भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि भारत में अगर क्वेश्चन आ गया कि यूनेस्को द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त कुल कितने विरासत धरोहर स्थल हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 38 है। और इसमें भी 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 जो मिश्रित है। इसमें जो सबसे नया है वो क्या है, जयपुर शहर राजस्थान, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 2032 के समर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो मैंने आपको भी बताया कि 2032 के जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन नामक शहर में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना कि 2020 का जो क्रम है वो कितना है, वो 32वां क्रम है, तो ये जो 2032 वाला होगा ये क्रम में 35वां ओलंपिक गेम होगा। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है, सिडनी में 2000 में जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को भारोत्तोलन में ब्रोंज दिलाया था, ये भी आपको याद रखना होगा, और मेलबर्न में हुआ था 1956 में। अच्छा ये बताओ कि 2024 का जो ओलंपिक गेम होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये पेरिस में होगा। और 2028 वाला कहाँ पर होगा, तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1894, और अभी हाल ही में 23 जून को हमने वर्ल्ड ओलंपिक डे भी मनाया है। और वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी की जो का जो मुख्यालय है ये लुसाने में है स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। और ओलंपिक खेलों में महिलाओं को शामिल करने को कब मान्यता दी गई, तो ये 1900 में दी गई थी, लगभग 120 या 121 साल पूर्व आप कहिए। तो और ये भी याद रखना कि 1916, 1940 और 1944 में, 1916 प्रथम विश्व युद्ध, 1940 और 44 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। ये बताओ कि 11वें मेकांग गंगा सहयोग बैठक, इसको MGC भी कहते हैं, तो MGC में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है, तो सही आंसर होगा भारत के विदेश मंत्री, कौन है, यस जयशंकर जी। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो MGC की ये जो पहल है यह 2000 में पर्यटन कनेक्टिविटी और संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पहल में कितने देश हैं, 6 देश हैं। याद रखना कि MGC नामक जो पहल है इसमें मेकांग गंगा परियोजना जो है इसमें कुल 6 देश शामिल हैं, कौन कौन से, भारत, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। भारत जो है ये मेकांग क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, इसीलिए मेकांग देशों के साथ बहुआयामी जुड़ाव भी चाहता है। भारत सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है और ऐसा करने से देशों की साझेदारी व्यापक होगी। और इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री यस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में आर्थिक, डिजिटल और लोगों से के बीच जो बेहतर संपर्क है उसको बढ़ावा देना चाहता है। तो याद रखना MGC पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अंतर्देशीय पोत विधेयक अभी हाल ही में पारित हुआ था, तो आपको बताना है इसके बारे में कुछ, दो बिंदु दिए गए हैं, बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अंतर्देशीय पोत विधेयक, यह जो अधिनियम है यह अधिनियम 2010 के स्थान पर, क्या ये सही है, नहीं है, गलत है, ये 2010 के स्थान पर नहीं है बल्कि ये 1917 के स्थान पर है। अगर यहाँ पर 1917 होता तब ये सही होता। और विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत,
पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान है। तो इसमें से सही कौन सा है? तो सिर्फ दूसरा वाला सही है, क्योंकि पहला वाला तो गलत हो ही गया है। तो केवल बी यानी केवल दूसरा इसमें सही है। तो आपको बता दें कि 22 जुलाई 2021 को अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 को लोकसभा में पेश किया गया और यह विधेयक जलमार्ग से संबंधित कानून के लागू होने में एकरूपता लाएगा। वर्तमान में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? ये हैं सर्वानंद सोनोवाल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ताइवान की सरकार यूरोप के किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो क्योंकि ताइवान पहली बार यूरोप के किसी देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित कर रहा है, तो इसलिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो कार्यालय है वो बनेगा कहाँ पर? लिथुआनिया में बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ताइवान सरकार बीजिंग चीन के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। ताइवान पूर्वी एशिया का देश है जिसकी राजधानी कहाँ पर है? ताइपे। और लिथुआनिया यह यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है और लिथुआनिया की जो आबादी है 2.8 मिलियन है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 65,300 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना के तहत किन किन शहरों का चयन किया गया है? ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना के अंतर्गत यूनेस्को ने चयन किया है ओरछा और ग्वालियर दोनों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ग्वालियर और ओरछा का चयन हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सतपुड़ा और भेड़ाघाट का भी इसमें चयन किया गया है। तो 20 जुलाई को आयोजित हुए कार्यक्रम में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के सत्र का वर्चुअल शुभारंभ हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को यूनेस्को के इस प्रयास से बढ़ावा मिलेगा। याद रखना कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर और ओरछा अपनी कला के कारण देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। देश के दो शहर बनारस और अजमेर का पुष्कर इस स्कीम में पहले से ही शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यूनेस्को और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में उक्त हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें उक्त दोनों शहरों को ऐतिहासिक धरोहरों को शहरी योजना के तहत सहेजा भी जाएगा। अच्छा, ये भी याद रखना कि इस परियोजना में भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया साउथ एशिया के 6 शहर पहले से शामिल हैं। ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें मिला के जाकर अब कितने हो जाएगा? तो ये जो दक्षिण ग्वालियर और ओरछा होगा इसको मिला के अब दक्षिण एशिया से कुल 8 शहर इस डेवलपमेंट के लिए शामिल कर लिए गए हैं। यूनेस्को इन शहरों के प्रबंधन और विकास की व्यवस्था करेगा। इन शहरों को यूनेस्को भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। तो याद रखना, सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, ऑप्शन ए यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो कि वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं और मुख्तार अब्बास नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि हाल ही में पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 250 और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रश्मि रंजन दास। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। दुनिया भर के 25 दिग्गज कर विशेषज्ञों वाली यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति है जो वैश्विक व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है। यह समिति देशों की दोहरे या एकाधिक कराधान से रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी को रोकने में भी सहायता करती है। इस समिति में नाइजीरिया, चिली, दक्षिण कोरिया, मलावी, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, अंगोला, रूस,
कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्वीडन और चीन जैसे देशों के सदस्य भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के पहले 3D मुद्रित स्टील पैदल पुल का अनावरण किया गया है? तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित स्टील पैदल पुल है, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? एम्स्टर्डम में हुआ है। ठीक है, तो यह परियोजना एम्स्टर्डम में औदे जिजस आस्टर बर्गवाल नहर पर खोली गई है, मतलब शुरू की गई है, मतलब स्थापित की गई है। और इस पुल की लंबाई कितनी है? लगभग 40 फीट है। इसको जोरिस लार्मन लैब ने डिजाइन किया है, कुल 6 महीने में बना है। और निर्माण किसने किया है? एम्स्टर्डम स्थित 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D के द्वारा इसको जो है बनाया गया है। अच्छा, ये बताओ कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात करें तो ये तो PCC पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं, और उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं गणेश गोदियाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, गणेश गोदियाल को जो है उत्तराखंड में कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, भुवन कापड़ी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रीतम सिंह जो है वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसको? प्रीतम सिंह को। तो अब करेंगे डिस्कस क्विज नंबर 202 को। प्रश्न ये था कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चेनाब नदी। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और यह पुल रियासी जिले में ग्राम कौरी में कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इस पर लगभग 1250 करोड़ रुपए का खर्च आया था बनाने में। और अब क्विज नंबर 203, बताओ कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? यह प्रश्न पूछा गया था UPSC के RO/ARO एग्जाम 2016 के अंतर्गत। तो ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका उत्तर आप लोग जरूर देना। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और देखो जब इस पर प्रॉपर तरीके से लोग वॉच नहीं करते हैं या फिर लाइक्स नहीं आते हैं, शेयर नहीं करते हैं लोग, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता हूँ मैं। और यही वजह है कि आगे चलकर ये महीना तो पूरा चलेगा, नेक्स्ट मंथ से पॉसिबल है कि ये जो सीरीज है मैं बंद कर दूँ, क्योंकि इस पर व्यूज़ लाइक्स वगैरह नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो बस यही वजह है। तो इसको आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट करिए, शेयर करिए, व्हाट्सअप का जो आपका स्टेटस होता है वहाँ पर लगा दीजिए, फेसबुक पर लगाइए, या फिर जो कुछ भी आप कर सकते हैं करिए, नहीं तो सेशन तो नेक्स्ट मंथ से शायद ही आपको मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।